ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਨਰ ਅਨਿਲ ਡੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40% समान बिकेगा, जब तक कोई गेम नहीं होगी ता कोई खरीदेगा ही क्यों। उन्होंने कहा कि हॉकी की बिक्री अगले साल अलग तरीके नाल होगी कि अलग मटेरियल द्वारा तैयार की जाएगी, नवी क्वालिटी अते नवी फाइबर दे नाल हॉकी तैयार की जाएगी। अनिल दी मेहता ने दसिया कि कुछ साल पहला कीनिया की टीम जलंधर मैच खेडन आई सी, संसारपुर की हॉकी टीम प्लेयर दे नाल उन्हां दा मैच होया सी। 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਅਤੇ 2-3 ਹਾਕੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਕੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅਤੇ 1 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपको मैंने एक फोटोग्राफ दिखाई है जो मेरे पास पड़ी हुई है। कीनिया की हॉकी टीम आई थी जलंधर में और मुझे सरदार उधम सिंह साहब, ग्रेट ओलंपियन, 4 times ओलंपियन, उस 4 times ओलंपियन में एक बार उन्होंने गए भी नहीं थे। दैट मीन्स इस कैरियर स्ट्रेच्ड फॉर 20 years। मैच किसके साथ हुआ? ये संसारपुर 11 की हॉकी टीम है। संसारपुर में लड़के इतने अच्छे हैं कि ये काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और ये हमने प्रैक्टिस मैच या कह लो साल पुरानी ये 80 में होगी, 84 में होएगा। कीनिया की टीम आई थी यहाँ पर, आई थिंक 84 नहीं 82 में टू बी प्रिसाइज। उधर कीनिया की टीम आई थी यहाँ, हमने उनको एक बार आपने कोई और भी पिक्चर्स दिखाए हैं जिसमें ध्यानचंद जो आपने बताया वो मेरे पिताजी और उन्होंने मेरे पिताजी डिंट गो एज अ हॉकी प्लेयर, ही वेंट एज अ ऑफिशियल सप्लायर। ध्यानचंद साहब के साथ उनकी यारी दोस्ती थी। तो हॉकी के आपसे खेलते थे? हॉकी ध्यानचंद साहब मेरे फादर से लिखते थे। मुझे इतना याद है मेरे फादर कहते थे कि उन्होंने 2 हॉकी पकड़नी या 3 हॉकी पकड़नी और जो सी हाथ में आनी उन्होंने कहना ये ठीक है। इवन के हिटलर ने किसी ने बोल दिया उसको कि ये ध्यानचंद की हॉकी में टूना जादू है, इसके लिए गोल मारता है। तो ध्यान उसको वो फील्ड मार्शल रोमल था जो हिटलर का दूसरा नंबर 2, उसने ध्यानचंद को बोला कैन यू प्ले विद माय प्लेयर हॉकी स्टिक। ध्यानचंद साहब कहते दे दे। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग की उसकी प्रोजेक्टर में, उस जमाने में 110 स्पीड होती थी, 100 की स्पीड नहीं होती थी 1936 में। उन्होंने देखा कि ध्यानचंद साहब की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो 10वां हिस्सा ज़्यादा है आम प्लेयर से, बढ़िया प्लेयर से। और वो ध्यानचंद साहब की जो खासियत थी वो आंधी को मारते थे। अब मैं भी बच्चा था तो मेरे को पता नहीं लगता था आंधी को कैसे मारते हैं। अब जब बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे पता है कि जब पुराने ज़माने की जब मैं हॉकी देखता हूँ तो वो मुकाबला वो ध्यानचंद साहब वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते, वो है ही नहीं हमारे पास। द वुड इज मलबरी वुड। मलबरी वुड इज सच अ हार्ड वुड, इट इज सपल एट द सेम टाइम एंड यू सी द बेंडिंग ऑफ द वुड। The handle is made of 7-ply lamination. It is hollow from inside. It is made of fiberglass and the fiberglass is impregnated with this, where the ground is covered with water.
The plus point of this stick is that it won't get cracked out. It can break, but it won't crack out like a wooden stick. Wooden stick, when coming in touch with water, opens up. This won't open up. When a goalkeeper falls down, basic study of that. This small, the normal small size, it will go out from the hockey stick. This will not. And the coach talks to the boy. Or team game, कोई भी हो, बेशक हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, इसका फ्यूचर बहुत कम है कोरोना के कारण. मेरा अपना अंदाज़ा है कि 30-40% सिर्फ गेम हमारी चलेगी, हमारी बिक्री होगी. इससे ज़्यादा इस साल बहुत माड़ा होगा हमारे लिए, बहुत गलत होगा. क्योंकि जब गेम नहीं होगी तो प्लेयर हॉकी खरीदेगा एको, बॉल का एको खरीदेगा, किधर जाके खेलेगा? अकेला तो खेल नहीं सकता, टीम के साथ जाना पड़ता है. टीम के साथ जाएगा तो कोरोना का डर लगता है. इसके लिए इस साल हमारी बिक्री बहुत कम होगी. नेक्स्ट ईयर की सेल के चांसेस इस तरीके से होंगे कि नवी हॉकी लेनी पड़ेगी. हम कोई नवी चीज़ डालेंगे और दुनिया को बताएंगे, यस हम भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और बनने की उस तरफ जाएंगे. अगले साल नवी क्वालिटी आएगी, नवे फाइबर की कॉम्पोजिट हॉकी हम लेके आएंगे. एक्चुअली अगर पूरी तरह तैयारी बोलो तो नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर तक हम तैयार हो सकते हैं. जा रहे हैं हम, और उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे. तो हॉकी किस तरह की होती है? हॉकी दो किस्म की होती है जी. आजकल जो हॉकी चल रही है वो लकड़ की हॉकी नहीं है, वो कॉम्पोजिट हॉकी है. कॉम्पोजिट की हॉकी जो है वो सिंथेटिक ग्राउंड पर खेली जाती है, एस्ट्रोटर्फ जिसको कहते हैं. एस्ट्रोटर्फ इज जस्ट अ नेम, लेकिन उसको सिंथेटिक ग्राउंड ही कहते हैं. उसके ऊपर लक्कड़ की हॉकी खेली नहीं जा सकती, क्योंकि उस ग्राउंड के अंदर पानी होता है. पानी जो है लक्कड़ को वो खा जाएगा, खोल देगा, हॉकी चलेगी नहीं. ये लक्कड़ की हॉकी है, ये घास के ऊपर चल सकती है, ये लक्कड़ है, लेकिन ये सिंथेटिक ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकती. ये खुल जाएगी, ये जो हॉकी है ये लकड़ खुल जाती है. इसके लिए हमारे को चाहिए कॉम्पोजिट हॉकी. कॉम्पोजिट हॉकी ये वाली है, ये पूरी फाइबर की हॉकी है, अंदर से ये सारा फाइबर है, इसमें कोई लकड़ नहीं है, और ये सारी मशीन मेड है, मैकेनाइज्ड. लकड़ की हॉकी जो है हैंडमेड है, जिसमें चोसा भी लगता है, तेसा भी लगता है, रेगमार भी लगता है, इसमें वो चीज़ें नहीं है. इट इज़ टोटली मशीन मेड, लेकिन इसमें स्टिफनेस है, सख्ती है. लकड़ की हॉकी में लचक है. अब लचक की हॉकी में आप सिंथेटिक ग्राउंड में नहीं खेल सकते, इसके लिए इस हॉकी से ही खेलना पड़ेगा. तो फ्यूचर जो है इस हॉकी का है, कॉम्पोजिट हॉकी इसे कहते हैं. हमें नवी चीज़ से निकालना पड़ेगा. गाहक का इंटरेस्ट हम जब तक नहीं डालेंगे हमें कुछ नहीं मिल सकता, हम हॉकी नहीं बेच सकेंगे. तो इसके लिए मैं अपनी तैयारी इस कर रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर तक हम कोई नवी चीज़ फाइबर्स में, मेकअप में, हम सब कुछ लेके आएंगे, ताकि हॉकी की बिक्री अगले साल हो सके और ज़्यादा हो सके. आपको मैंने एक फोटोग्राफ दिखाई है जो मेरे पास पड़ी हुई है. कीनिया की हॉकी टीम आई थी जलंधर में, और मुझे सरदार उधम सिंह साहब, ग्रेट ओलंपियन, 4 times ओलंपियन, उस 4 times ओलंपियन में एक बार उन्होंने गए भी नहीं थे. दैट मीन्स इस कैरियर स्ट्रेच्ड फॉर 20 years. मैच किसके साथ हुआ है? ये संसारपुर 11 की हॉकी टीम है. संसारपुर में लड़के इतने अच्छे हैं कि ये काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, और ये हमने एक प्रैक्टिस मैच या कह लो साल ये 80 में होगी, 84 में होएगा. कीनिया की टीम आई थी यहाँ पर, आई थिंक 82 में टू बी प्रिसाइज. उधर कीनिया की टीम आई थी यहाँ, हमने उनको एक बार आपने कोई और भी पिक्चर्स दिखाई हैं जिसमें ध्यानचंद जो आपने बताया वो मेरे पिताजी और उन्होंने ही डिडंट गो मेरे पिताजी डिडंट गो एज अ हॉकी प्लेयर, ही वेंट एज अ ऑफिशियल सप्लायर. ध्यानचंद साहब के साथ उनकी यारी दोस्ती थी. तो हॉकी के आपसे सीखते थे? हॉकी ध्यानचंद साहब मेरे फादर से लिखते थे. मुझे इतना याद है मेरे फादर कहते थे कि उन्होंने 2 हॉकी पकड़नी या 3 हॉकी पकड़नी,
और जो सी हाथ में आनी उन्होंने कहना ये ठीक है। इवन के हिटलर ने किसी ने बोल दिया उसको कि ये ध्यानचंद की हॉकी में टूना जादू है, इसके लिए गोल मारता है। तो ध्यान उसको वो फील्ड मार्शल रोमल था जो हिटलर का दूसरा नंबर नंबर टू, उसने ध्यानचंद को बोला कैन यू प्ले विद माई प्लेयर हॉकी स्टिक। ध्यानचंद साहब कहते दे दे। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग की उसकी प्रोजेक्टर में, उस जमाने में 1/10 स्पीड होती थी, 100th की स्पीड नहीं होती थी 1936 में। उन्होंने देखा कि ध्यानचंद साहब की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो 10वां हिस्सा ज़्यादा है आम प्लेयर से, बढ़िया प्लेयर से। और वो ध्यानचंद साहब की जो खासियत थी वो आंधी को मारते थे। अब मैं भी बच्चा था तो मेरे को पता नहीं लगता था आंधी को कैसे मारते हैं। अब जब बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे पता है कि जब पुराने ज़माने की जब मैं हॉकी देखता हूँ तो वो मुकाबला वो ध्यानचंद साहब वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते, वो है ही नहीं हमारे पास। दुखी भैन भरावां दे मसीहा पंजाब दे मशहूर ज्योतिष 50 सालां दा महान तजर्बा स्वामी शुक्राचार्य महाकाली उपासक तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल। पति पत्नी च झगड़ा प्रेम ब्याज रुकावट सौदन दुश्मन दा खात्मा विदेश च पक्का होना कीता कराया गुप्त वशीकरण कराओ रुसे प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा संपर्क करो 9879004431।